नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं मुकेश टेक चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 150 एएच की बैटरी अगर आप लगाते हैं, अगर आप खरीदते हैं, तो वो आपके दो फैन और दो एलईडी बल्ब को कितने घंटे तक चला पाएगी। ये काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि इस तरह से अगर हम बैटरी खरीदते हैं तो ये कितने घंटे तक हमारा लोड चला पाएगी और कितना लोड उठा पाएगी। तो इसके बारे में आज हम भी इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में पूरी डिटेल के साथ में जानेंगे कि यह कैसे कैसे कितना कितना लोड और कितने घंटे तक उठाएगी। जैसे कि गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर हमें फ़ैन की ज़रूरत होती है और फैन लगाने की ज़रूरत होती है, तो हो सकता है आप भी सर्चिंग में है कि मुझे बैटरी लेनी है, तो बैटरी आपको कितनी बड़ी लेनी है, कितनी छोटी लेनी है और आप कौन सी बैटरी लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप 150 एएच की बैटरी लेते हैं तो वो कितने घंटे तक आपका लोड चला पाएगी। अब जैसे कि हम फैन की बात करें तो फैन यहाँ पर एक फैन की बात करेंगे तो एक फैन की जो वाटेज है वो वाटेज आपको यहाँ पर 70 वाट के आसपास एक फैन की वाटेज होती है। अब 70 वाट इंटू 2 करेंगे तो 140 वाट यहाँ पर एक फैन की वाटेज आ गई। अब यहाँ पर दो एलईडी बल्ब की बात करेंगे तो 9 वाट की मैं एलईडी मान के चलता हूँ कि 9 वाट की अगर आप एलईडी लगाते हैं तो वो 18 वाट यहाँ पर एलईडी की वाटेज हो गई। तो टोटल यहाँ पर जो वाटेज है वो टोटल वाटेज आपकी यहाँ पर हो गई 158। तो यहाँ पर टोटल वाटेज आपकी होगी 158। अब 158 वाटेज को चलाने के लिए 150 एएच की बैटरी कितना बैकअप दे पाएगी। जैसे कि अब हम बैटरी के बारे में जानेंगे कि बैटरी में कितनी पावर हम स्टोर कर सकते हैं, फुल चार्ज में कितनी पावर स्टोर हो पाएगी और कितने घंटे के लिए बैकअप मिलेगा। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, जैसे कि आप देख रहे हैं जो आपकी एएच होती हैं, एएच मल्टीप्लाई वोल्ट, क्योंकि बैटरी 12 वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की बैटरी मल्टीप्लाई 150 एएच, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होकर आएगा वो 1800 वाट मल्टीप्लाई होकर आएगा। 1800 वाट यहाँ पर वाटेज आ गई, मतलब कि 1800 वाट स्टोर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 1800 वाट आप स्टोर नहीं कर सकते, आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो इन्वर्टर है आपका वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है, तो यहाँ पर कुछ लॉसेज हो जाते हैं, तो जो लॉसेज होते हैं, पावर लॉसेज होते हैं, वो प्लस जो आपकी बैटरी में पावर बची रह जाती है, जो अनयूज पावर होती है जिसको हम यूज नहीं कर सकते, वो पावर उनको सबको मिला के हम कट ऑफ कर लेते हैं 20%। अगर आप 20% कट ऑफ करते हैं कि 1800 वाट में से अगर आप 20% आप माइनस कर देते हैं कि आप 20% पावर यूज नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर करीब 1400-1450 के आसपास आप पावर यूज कर पाते हैं। अब 1400-1450 के आसपास जो पावर यूजेबल है उसको अगर आप डिवाइड करेंगे 158 वाट से, तो यहाँ पर आपके करीब 9 घंटे के आसपास आपको बैकअप मिल पाएगा। कंटिन्यूस आप 9 घंटे तक ये सब चीज़ें चला सकते हैं, तो 9 घंटे के आसपास आपको बैकअप मिलेगा। यहाँ पर 150 एएच की बैटरी, दो फैन, दो एलईडी बल्ब के साथ में आप 9 घंटे तक चला पाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल गया होगा कि आप अगर 150 एएच की बैटरी लेते हैं तो वो आप कितने घंटे तक चला पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है, इसके प्राइस के बारे में जानना है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं और कितने रुपए में कौन सी बैटरी आपको मिल रही है उसके बारे में भी आप जानकारी वहां से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।